आचार्य फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आखिर कितनी कमाई? चिरंजीवी रामचरण की फिल्म में भारी गिरावट। सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म आचार्य के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। चिरंजीवी और रामचरण की आचार्य का प्रशंसकों को काफ़ी इंतजार था। फिल्म ने 29 अप्रैल को बहुत धूमधाम से शुरुआत की। पिता पुत्र की जोड़ी के केजर ने फिल्म के दक्षिण में बड़ी शुरुआत करने में मदद की। कोरोटाल शिवा द्वारा निर्देशित आचार्य में काजल अग्रवाल, पूजा हेगड़े और सोनू सूद भी थे। बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत के बाद फिल्म दूसरे दिन रफ्तार नहीं पकड़ पाई। आचार्य बॉक्स ऑफिस संग्रह आचार्य को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इसमें निजामे में 1 अप्रैल 29 अप्रैल को दिन में 7.99 करोड़ रुपए कमाए। दुनिया भर में इसने 53 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि चिरंजीवी ने और रामचरण की फिल्म दूसरे दिन रफ्तार पकड़ने में नाकाम रही। इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। मिली जुली प्रतिक्रिया को देखते हुए सप्ताह के दिनों में फिल्म में खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बीच आचार्य दुनिया भर के 2000 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म की बुकिंग 4 दिन पहले शुरू हुई थी। बॉक्स ऑफिस कर्नाटक ने बताया कि हैशटैग आचार्य कर्नाटक बीओ ने 2 आंकड़े, संकल 0.82C, नेट 0.69C, कुल संकल 3.13, सिल टोटल शुद्ध 2.64C। बेंगलुरु में कुछ मल्टीप्लेक्स शो को छोड़कर फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में विफल रही है, यानी कि नाकाम रही थी। पूरे KA में कई शो रद्द कर दिए गए। मिली भगत आपदा SIC की ओर बढ़ रहा है। टोटल ग्रॉस 313C, टोटल नेट 3.64। तो आचार्य के बारे में कोरोताल शिव द्वारा लिखित और निर्देशित आचार्य एक सामाजिक राजनीतिक एक्शन ड्रामा है। फिल्म संयुक्त रूप से मैटिनी एंटरटेनमेंट और कॉनिडल प्रोडक्शन अप कंपनी द्वारा निर्मित है। COVID-19 महामारी के कारण आचार्य के उत्पादन और रिलीज में कई बार देरी हुई है। अंत में चिरंजीवी और रामचरण अभिनेता भमन और फिल्म 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में आई। आचार्य का साउंड ट्रैक मानी शर्मा द्वारा बनाया गया है और गीत रामजोग्या शास्त्री, अनंत श्रीराम और भास्कर भटला द्वारा है। कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी और मेटिने एंटरटेनमेंट द्वारा बैंक रोल की गई ये फिल्म 140 करोड़ रुपए के बजट पर बनी है। तो आपके इस फिल्म के ऊपर क्या विचार हैं? क्या आपने इस फिल्म को देखा और अगर देखा तो आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।